नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। एन कैन प्रकारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, खास करके महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की जो पूरी सरगर्मी है, उसके केंद्र में बने रहना चाहती। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मजबूत करने के बजाय एनसीपी की चर्चा कैसे बने रहे, कैसे बनाए रखे, इसकी वो प्राथमिकता ज्यादा दिखती है। ऐसा इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई दिन नहीं जा रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके सर्वे सर्वा नेता शरद पवार हो, अजीत पवार हो या कोई अन्य नेता हो, ऐसी बयान वो दे देते हैं जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं। और जब से शरद पवार ने ये बयान दे दिया कि पार्टी में किसी को भी अपनी भूमिका तय करने के लिए वे स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ अजीत पवार, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, चाहे 2024 के पहले हो या 2024 के बाद हो, लेकिन अजीत पवार जब कह रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो निश्चित तौर पर अभी उनको बनना है। और जब से सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय सुनाने वाला है, खास करके 13 मई, और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, महाराष्ट्र के राजनीति में चाहे वो विश्लेषक हो, प्रसार माध्यम हो, उन्होंने एक चर्चा तेजी से आगे बढ़ा दी। वो ये कि एकनाथ शिंदे, उनका जाना तय। चर्चा इस कदर आगे बढ़ा दी गई कि नए समीकरण बनने जा रहे हैं और एनसीपी ये बीजेपी के साथ चले जाएगी। खैर, ये समीकरण या इस प्रकार की चर्चा के लिए एनसीपी ने ही हवा एक प्रकार से दी है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की संयुक्त रैली हो जाए या शिवसेना की अपनी रैली हो जाए, एक बात तो बहुत साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, और दूसरी तरफ जहां तक शिवसेना का सवाल है तो उद्धव ठाकरे के गट को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। अभी भी एकनाथ शिंदे वो हिम्मत नहीं कर पा रहे चुनाव आयोग के द्वारा एंड सर्वोच्च न्यायालय में जब महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष चल रहा था, बहस चल रही थी, उसके बीचों बीच चुनाव आयोग ने धनुष्यबाण के चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया। इसके बावजूद
एकनाथ शिंदे की ये हिम्मत नहीं हो रही कि महाराष्ट्र में वो अपनी ताकत दिखा सके, कोई रैली वो कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट से कोई फायदा चुनावी होने नहीं वाला है। अब लगभग भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे और उनका गुट ये एक पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं राजकीय बोझ बन गया है, जिसको बीजेपी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको उतार के उतार देना चाहती है। और जब बीजेपी इस निष्कर्ष पे पहुंच गई है तो बीजेपी एक नए सहयोगी की तलाश में लग गई है, और बीजेपी के दृष्टिकोण से एनसीपी के अलावा और कोई बेहतर सहयोगी उनका हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है कि महाराष्ट्र का जो पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है, सूबा है, वहां वो कमजोर है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है। और इसके लिए बीजेपी को यह लगता है कि अगर पूरी एनसीपी नहीं भी आए, अगर अजीत पवार के नेतृत्व में 40-45 आमदार, जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 आमदार आए, लगभग वैसे ही स्थिति अगर अजीत पवार के साथ लोग बाहर आते हैं तो अजीत पवार मुख्यमंत्री है। और इसी बीच शरद पवार ने जो एक बयान दिया, वो बयान ये कहा कि जिनको छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, जिनको अलग लाइन लेनी है वो ले सकते हैं, लेकिन एनसीपी जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस वक्त एनसीपी के जो विधायक है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ है या रहेंगे, ये नहीं कहा, पार्टी रहेगी। इसका मतलब एक जमीन शरद पवार ने तैयार कर दी है कि विधायकों का गट और पार्टी दो स्वतंत्र है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, और ये पता नहीं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर राजकीय विश्लेषक हो या फिर प्रसार माध्यम हो, वो इस नतीजे में कैसे पहुंच गए कि अजीत पवार का गट अगर साथ आ जाता है तो सरकार भी बच जाती है और अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और शिवसेना को दरकिनार एकनाथ शिंदे को कर दिया जा सकता है। अब तो एकनाथ शिंदे कुछ सुनते हैं कि छुट्टी पे, उनको समझ में आ गया। सवाल ये है कि ये कैसे संभव हो सकता है। ये संभव तभी हो सकता है कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई व्हिप जारी ना हो, ऐसी स्थिति में जब अगर सर्वोच्च न्यायालय का निकाल इस प्रकार से निकले कि एकनाथ शिंदे सहित 16 आमदार अपात्र, उसी स्थिति में नए समीकरण की बात आएगी। क्योंकि अगर एनसीपी व्हिप निकालेगी तो फिर मामला पेच फंस जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का, दल बदल कानून का, और फिर दल बदल कानून के मुताबिक अजीत पवार के साथ जो भी बड़ा गट एमएलए एनसीपी के निकलेंगे उन्हें तो फिर किसी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी में शामिल होना पड़ेगा।
तो क्या अजीत पवार इसके लिए तैयार होंगे जिससे कि उनकी पूरी पहचान खत्म हो जाए? तो ये जो मसला है कि किस तरीके से दल बदल कानून के दायरे में ना आकर एक बड़ी बगावत की जा सकती है, तो ये उसी स्थिति में संभव है अगर एनसीपी के द्वारा कोई व्हिप जारी ना हो। दूसरी स्थिति में यह है कि अगर एनसीपी के विधायक एक नई पार्टी बना ले और उस पर उनके इस निर्णय पर एनसीपी कोई कार्रवाई भी ना करे, और तीसरी जो स्थिति बन सकती है कि जहां एनसीपी के विधायक किसी प्रकार की कार्रवाई से अगर बच सके तो वोटिंग के समय बिना व्हिप के भी अगर एनसीपी के विधायक बीजेपी का समर्थन कर देते हैं तो वहां हद से ज्यादा एनसीपी उनको निष्कासित कर सकती है। और जब कभी कोई पार्टी अपने विधायकों को निष्कासित करती है तो उससे उन विधायकों की सदस्यता नहीं जाती है। अर्थात ये तभी संभव है जब सर्वोच्च न्यायालय का निकाल आएगा। तब तक ये सरकार एकदम स्थिर सरकार है वर्तमान बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या 16 आमदारों को अपात्र करेगी या पूरे 40 शिंदे गट के आमदारों को अपात्र करेगी? अगर मैं इन सारी घटनाक्रम को समझ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देगा और उस ऐतिहासिक फैसले में वो पूरे 40 आमदारों को दल बदल कानून के आधार पर अपात्र घोषित कर देगा। वो 16 को अपात्र करने के इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो 16 है जिनको नोटिस उस वक्त के विधानसभा के उपाध्यक्ष ने दी थी, उनको अपात्र करने का विशेषाधिकार ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष को ही है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अपात्र नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जरूर उस पर कि दल बदल कानून के मुताबिक अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा अगर विधायक पार्टी से बगावत करते हैं तो उन्हें किसी मान्यता प्राप्त राजकीय पार्टी में विलय करना होता है। और हम देख रहे हैं कि करीब 1-9 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए, वो विलय नहीं हुए हैं। यहां जरूर सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे 40 लोगों को अपात्र कर सकता है, और यही वो ऐतिहासिक फैसला जो है होगा। और ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पर अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एनसीपी का पूरा विधायक दल जो है एक 8-10 अगर छोड़ दें वो सब समर्थन में चले जाएंगे बीजेपी के, और उधर शरद पवार जो है वो ये भूमिका ले लेंगे कि विधायक अलग होते हैं और पार्टी अलग होती है। तो पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ रहेगी और विधायक अजीत पवार के साथ जो एमएलए ने जो निर्णय लिया उसको लेके वो एक निर्णय ले लेंगे कि इन सबको पार्टी से बर्खास्त। तो ये स्थिति जो है बहुत चालाकी से
शरद पवार एक भूमिका बना दी है जिसमें ना टूटेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसी स्थिति होने वाली है। देखते हैं जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता संघर्ष और राजनीति की हलचल तेज होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।